पाकिस्तान में ऑडियो लीक का एक और बड़ा ड्रामा शुरू हो गया। कहा जाता है कि 100 घंटों से ज़्यादा का जो कंटेंट है लीक हो चुका है। इमरान खान हर जलसे में धमकी दे रहे हैं कि मेरे पास और ऑडियो लीक्स आ रही हैं, मैं उसको फैला दूंगा। पाकिस्तान की सरकार ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी बना दी, GIT भी बना दी, और इसके साथ साथ अब भारत पर भी उंगलियां उठाने लगे हैं कि भारत के किसी ग्रोह ने इसको रिकॉर्ड किया है और दुनिया में फैलाया। ये है आज की गुफ्तगू का मौजू। इसके साथ हम बातचीत करेंगे और इश्यूज पे, ख़ासतौर पर जयशंकर जी ने जिस तरह भारत के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू अमेरिका में असर्ट किया, वो भी बातचीत होगी मेजर गौरव आर्या जी के साथ। फिर क्लाइमेट चेंज की अब पाकिस्तान में काफ़ी आवाज़ उठ रही है। क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, लेकिन पाकिस्तान के ये जो खौफनाक सैलाब हैं, ये जो मसाइल हैं, क्या ये इतने ही सिंपल हैं कि क्लाइमेट चेंज से ही सारी तबाही आई? क्या पाकिस्तान का अपना निज़ाम, इंफ्रास्ट्रक्चर की खराबी, इस तरह के मसाइल इसमें शामिल नहीं हैं? ये हैं वो मौजूदात जिन पर हम ख़ास तौर पर आज चर्चा करेंगे। मेजर साहब को हम दिल्ली से खुश आमदेद कहते हैं, उनका स्वागत करते हैं। सर कैसे हैं आप? थैंक यू बुलाने के लिए अपनी शो पे। ताहिर साहब बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? नहीं, हमारे लिए खुशी की बात है कि आप अपना बेलाग किस्म का तबसरा हमारे साथ करते हैं और हमें इसी तरह के कैंडिड एनालिसिस की में सब जरूरत होती है। बातचीत शुरू करते हैं ऑडियो लीक से, जो इस वक्त डार्क वेब पे कहते हैं 100 घंटों से ज़्यादा की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, और भारत की भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले रहे हैं कि वो इसमें इन्वॉल्व है। तो भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सारा मंजरनामा कैसे दिखता है? तैर साहब, पहले तो मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि यू नो भारतीय इन्वॉल्व है नहीं है, इंडियंस इन्वॉल्व है नहीं है, वो बात की बात है। मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस के अंदर से रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है? ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। और जब से मैंने पाकिस्तान फॉलो करा है, मुझे तो यही बताया कि ISI वर्ल्ड की नंबर वन है। ये कैसी नंबर वन है जिसके नाक के नीचे से इतनी बड़ी चीज हो जाती है और उसको पता ही नहीं चलता? पाकिस्तानी आर्मी नंबर वन है, ये कैसी नंबर वन आर्मी है जिसको यही नहीं पता लगा? और इंडियंस ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के घर से, अगर इंडियंस ने करा है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के घर से इन्होंने सब कुछ गायब कर दिया। और पूरा ऐसी, देखिए मैं आपको बताता हूं, हो सकता है इसमें कि जो मुझे लगता है ISI ने खुद बग्स वहां पे लगाए हैं और ये बग हैक हुआ है। ये तो है, वरना कोई इंडियन बैठ के कैसे, या तो उनका मोबाइल नेटवर्क किसी इंडियन ने हैक कर दिया कि हिंदुस्तानियों का नाम ले रहे हैं। बट जब इंडियंस नहीं भी थे, चलिए मान लीजिए कि इंडियन ने ये वाला काम कर दिया, ठीक है ना, पर इसके पहले साहब जो जरदारी साहब की फोन कॉन्वर्सेशन आई थी वो किसने करी थी, है ना, जो आपस में ये लोग एक दूसरे की रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, कोई इमरान खान की निकलती है, कोई फरागोगी की निकलती है, कोई इमरान खान की वाइफ है जो पिंकी पीरनी उनकी निकलती है, ये भी इंडिया ने करी है। सर ये एक इखलाकी फुकदान है पाकिस्तान में, एक कहीं ना कहीं एक मॉरल डिके है पाकिस्तान में कि कोई इंसान भरोसा करके दूसरे से बात नहीं कर सकता, सब एक दूसरे की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इंडियन ने डाल दी डार्क वेब पर, ये तो बहाना भी है ना सर कि जो भी बुरा हुआ है इंडिया नहीं करा है, क्यों करेंगे इंडियंस? और डार्क वेब में क्यों डालेंगे? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डाला है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों पैसे मांगेगी $3.5 million या जितने भी मांगे गए हैं उसके लिए, आई डोंट नो कितने मांगे गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो अपने, फिर अगर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज करती फिर उसको इस्तेमाल करती हैं उस तरीके से, वो बेचती थोड़ा ना। तो अगर ये किसी इंडिविजुअल का काम है तो फिर हमें देखना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इतनी वीक क्यों है सर, और ये एक दूसरे का रिकॉर्डिंग क्यों करते रहते हैं सारे पाकिस्तानी? ये कहता है इमरान खान, कहता है मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग है, शहबाज शरीफ कहता है मेरे पास इमरान खान की रिकॉर्डिंग है, जरदारी कहता है मेरे पास सबकी रिकॉर्डिंग है। ये एक दूसरे को, आई डोंट नो हाउ द कंट्री इज फंक्शनिंग, एवरीबॉडी इज रिकॉर्डिंग एवरीबॉडी एल्सस कन्वर्सेशन सर। जी आपने कहा कि वहां पे तो यूं लगता है कि हर कोई हर दूसरे की रिकॉर्डिंग कर रहा है, लेकिन मैं सब, हमने ये भी देखा कि ये सब कुछ होने के बावजूद फर्क भी किसी को नहीं पड़ता। समाज ऐसा हो चुका है कि उसमें वो जैसे कहते हैं ना, हु केयर्स, आप मेरी रिकॉर्डिंग करते फिरें, हु केयर्स, तो क्या ये भी आपको एक फैक्ट नजर आता है? नहीं बिल्कुल, देखिए बात यह है कि अब लोगों के लिए भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो है ना सर, अब वो एंटरटेनमेंट बन गई है पाकिस्तानियों के लिए, उनको मजा आता है
ये जलसा क्या है सर? जलसा इज नॉट फॉर एनीथिंग. जलसा वो डीजे बट अपना म्यूजिक बजाएगा, लोग नाचेंगे गाएंगे. दिस इज एंटरटेनमेंट फॉर पाकिस्तानी. फिल्में इतनी बनती नहीं है पाकिस्तान में. बॉलीवुड वहां पे फिल्में रिलीज नहीं करता आजकल, या कर नहीं पाता बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी रिस्ट्रिक्शंस. तो ठीक है, ये लोगों के लिए एंटरटेनमेंट है. लोगों क्या फर्क पड़ता है सर? लोगों क्या फर्क पड़ता है? उनको मजे हैं. देखिए, उनकी जिंदगी वैसी बेचारों की घर को रखी है, ठीक है, तो उनको ये इसी बहाने एंटरटेनमेंट मिल जाता है. क्रिकेट है, ऑडियो लीक्स हैं, जलसे हैं, तो ऐसे चल रहा है माशरा. दे डोंट केयर सर. ये लोग भूल जाएंगे वेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी. अमेरिका में तो सरकार गिर गई थी सर निक्सन के दौरान. निक्सन के दौरान एक गवर्नमेंट की पूरी सरकार गिर गई थी वहां पे. तो बट द थिंग इज दैट पाकिस्तान में नोबडी केयर सर. किसी को फर्क नहीं पड़ता. कल इमरान खान की ऑडियो आ जाएगी, फिर जलसे में 2 लाख लोग, 1 लाख लोग पहुंच जाएंगे डीजे बट के उसमें गाना गाने के लिए. तो ये है सर, बेहज हो चुके हैं लोग सर. तो ये आई थिंक दैट इज द रियल प्रॉब्लम. तो ये जो एंटरटेनमेंट है जलसे, खासतौर पर इमरान खान के, और ऑडियो लीक्स और क्रिकेट पे हंगामे, ये जो एंटरटेनमेंट है ये पाकिस्तान में ही है या इससे भारत की जनता भी एंटरटेनमेंट ले रही है, आनंद ले रही है? हम तो पूरा आनंद लेते हैं सर, हमारा तो काम ही यही है. पाकिस्तानी चैनल सवेरे से लेकर रात तक, हम और काम क्या है मेरा? यही काम है. मैं अपने लिए अपने बारे में बोल सकता हूँ, वहां पे तो इतना फन है कि मुझे तो माई. और कभी कभी ऐसी, जिसको हिंदी में कहते हैं ना सर, अविश्वसनीय चीजें, अनबिलीवेबल चीजें, ऐसी बातें बोल देते हैं कि जिसका कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन पढ़े लिखे एंकर बोल देते हैं सर कि लोग हमारी मदद ये इसलिए करेंगे कि जो अभी फ्लड हुआ है पाकिस्तान में, एक तिहाई बुल पानी के नीचे, लोग हमारी मदद इसलिए करेंगे क्योंकि आखिर हम एक एटमी कुवत हैं, तो लोगों को हमारी मदद करनी पड़ेगी. अब इसका क्या लॉजिक है फ्लड से? लेकिन बोल रहे हैं सर, दंदनाते हुए बोल रहे हैं, इनके एंकर्स बोल रहे हैं कि हम एटमी कुवत हैं, एटमी कुवत हैं. तो ये बड़ा हमारे लिए, इंडियंस के लिए बड़ा एंटरटेनिंग है, क्योंकि हम लोग तो लॉजिकल बात करते हैं सर, हम लोग ऐसी फालतू की बात तो करते नहीं. तो बट ये जब पाकिस्तान में ऐसी बातें होती हैं तो इट्स फॉर अस, इट्स एंटरटेनमेंट, इट्स अ लॉट ऑफ फन. मैं तो अक्सर लोगों को कहता हूँ, नेटफ्लिक्स छोड़ो, पाकिस्तान टेलीविजन चैनल्स देखा करो, पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल देखा करो, खूब खुशियां मनाओ. फुल ऑन एंटरटेनमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट सर, फ्री ऑफ कॉस्ट, फुल ऑन एंटरटेनमेंट है. जी, आपने फ्लड्स की बात की और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो भी, और भी पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है उससे पाकिस्तान मुतासर हुआ. बिलाशुबा ये एक रियलिटी है, लेकिन सिर्फ ये एक बात नहीं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का, जो डैम बनाने के डैम फूल ड्रामे हुए, मियाँ साकब निसार पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, वो कनाडा से भी कोई मिलियंस डॉलर ले गए, दुनिया भर से उन्होंने अरबों रुपए पाकिस्तानी इकट्ठे कर लिए, कोई पता नहीं चला. तो अब ये सिचुएशन है कि क्या ये क्लाइमेट चेंज, जिस पे यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल भी पाकिस्तान गए, फ्रांस भी कह रहा है कि हम कोई शायद कॉन्फ्रेंस कराएंगे, तो अब इस क्लाइमेट चेंज के ही चक्कर में पाकिस्तानी जो नाअहलियाँ हैं इसके पीछे छुपेंगी, या फिर आपको लगता है कि दुनिया इस इश्यूज को बहुत सारे एंगल से देखेगी? नहीं सर, कोई एंगल से नहीं देखेगी. ये 4-5 साल क्लाइमेट चेंज के चक्कर में खींच लेंगे, ठीक है ना, फिर ये ढूंढ लेंगे दूसरी गाड़ी. देखिए, कुछ ना कुछ होता रहता है कि पाकिस्तान को पैसे मिलते रहते हैं. कभी अफगानिस्तान में कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, अब ये बाढ़ आ गई. ये जो ये प्रॉब्लम आई है पाकिस्तान में, इसको लेके अभी खींचेंगे सर इसको. आपने बिल्कुल ठीक बोला, साकिब निसार की जो आपने बात करी है, डैम के लिए पैसे इकट्ठा करे भाग गए वो तो साकिब निसार साहब. अब डैम के लिए पैसे लेकर अगर साकिब निसार साहब भाग जाते हैं तो किसकी गलती है? हाँ, क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान इंपैक्ट हुआ है, लेकिन इसको मिटिगेट करने की भी तो वो है ना सर. आप डैम बनाइए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बनाइए, तो ये जितनी भी तबाहियां कम हो सकती. किसने पाकिस्तान को बोला कि तुम डैम मत बनाओ? ये यहूदियों की साजिश थी, हिंदुओं की साजिश थी, किसकी साजिश थी? अमेरिका की साजिश थी, इंपोर्टेड हुकूमत की साजिश थी, किसकी साजिश? आपने खुद डैम नहीं बनाए, आप डैम के पैसे चोरी करके भाग गए. आज आप रो रहे हो कि जी यू नो यहाँ पे पानी आ गया और हमारे मुल्क को बहा के ले गया. तो पाकिस्तान देखिए, आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है कि जो हमने लोन लिए हैं वो आप यू नो उनको राइट ऑफ कर दीजिए, क्योंकि वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू पे, ठीक है ना. यही तो 2 साल पहले इमरान खान कह रहा था जब कोरोना आया था कि हमारे लोन्स राइट ऑफ कर दीजिए. तो पाकिस्तान के सर हर समय दो पॉलिसीज रहती है पाकिस्तान की,
जब भी किसी मुल्क से बात करते हैं लोग कि या तो हमें पैसे दे दो या जो तुमने पैसे पहले हमें दिए हैं वो माफ कर दो, दोनों में से एक चीज तो कर दो। तो वो वही होगा सर डैम के चलते, अपने पुराने लोन माफ करवाना, नए पैसे लेना, इंफ्रास्ट्रक्चर फिर भी नहीं बनेगा, फिर स्विट्जरलैंड में इनके विला हो जाएंगे सर, लंदन में फ्लैट हो जाएंगे, दुबई में पेंट हाउसेस हो जाएंगे, ये यही कहानी चलती रहेगी पाकिस्तान की जब तक चल रही है सर, यही स्टोरी है इनकी। और वो जो गरीब है वो दादू में है, सिंध इंटीरियर में है, कहीं पे भी बेचारा खड़ा हुआ है बलोचिस्तान में, उसके पास वो जो आटे की बोरी पहुंचनी थी वो नहीं पहुंचेगी, वो आएगी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से जाएगी दुबई लंदन, वो गरीब के पास नहीं पहुंचेगी सर। ये इनका रिकॉर्ड है, इमरान खान ने खुद कहता है 15 अरब रुपए मैंने इकट्ठा करे सर। इमरान खान ने कहा है वो रुपए, उसने बोला था ना एक हफ्ता पहले 5-6 दिन पहले कि मैंने 15 अरब रुपए इकट्ठा कर लिए पाकिस्तानी, यानी हंड्रेड ऑफ मिलियन ऑफ डॉलर इकट्ठा करे उसने 15 घंटे की टेलीथॉन में, पता नहीं कितने घंटे की टेलीथॉन में उसने इकट्ठा करे। अगर उसने इतने पैसे इकट्ठा करे हैं तो उसने कितने दिए, कुछ अकाउंटिंग तो होगी, लेकिन नहीं, जो उसके भी लोग हैं, जो पीटीआई के उसके लोग हैं जो जान छिड़कते हैं, वो थोड़ा ना पूछेंगे खान को कि भाई वो पैसे कहां गए, नहीं पूछेंगे, पाकिस्तान में वो कल्चर नहीं है अकाउंटेबिलिटी का। तो अब ये बाढ़ आ गई है और पाकिस्तान के जो अशराफिया हैं, मुझे कहनी बात नहीं चाहिए, बुरी बात है, गंदी बात है, भद्दी बात है, लेकिन पाकिस्तान के अशराफिया इसको भी एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं, दे यूज देयर पीपल लाइक बेट सर। जैसे मछली पकड़ते हैं तो कांटे में वो केंचुआ नहीं लगाते बेट कि मछली फंस जाए, ये पाकिस्तान का जो अशराफिया है वो पाकिस्तान की आवाम को बेट की तरह इस्तेमाल करता है कि IMF या वर्ल्ड बैंक या अमेरिका या फ्रांस कोई बड़ी मछली काटा, उनकी मजबूरी देख के, उनकी परेशानी देख के उनका दिल पसीज जाए और वो हमें पैसे दे दें। दे यूज देयर पीपल लाइक बेट सर, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, आई एम यूजिंग सच वर्ड्स, आई शुड नॉट, बट दिस इज द ट्रूथ। जी, सारी सूरत हाल में आपने पीछे बात की कि भारत एक सीरियस देश है और हमने उसका मुजाहरा भी देखा, भारत के फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर जी ने जिस तरह अभी न्यूयॉर्क में बातें की और जिस तरह खुल के वर्ल्ड स्टेज पे भारत के रोल का मुजाहरा किया, तो आप क्या देखते हैं कि भारत को आने वाले सालों में बड़े, यानी इवन नेक्स्ट ईयर में बहुत बड़े रोल्स मिलने वाले हैं? G20 की होस्टिंग भारत कर रहा है, SCO की होस्टिंग भारत कर रहा है, तो पहले तो ये बताइए कि जयशंकर जी की जो स्टेटमेंट्स न्यूयॉर्क में हैं उनको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे तो लगता है सर कि बहुत जबरदस्त उन्होंने बात करी है, जो उन्होंने जनरल असेंबली में स्पीच दी थी उन्होंने ये बताया कि भारत दुनिया के लिए क्या कर सकता है। उन्होंने अफगानिस्तान का जिक्र करा है, उन्होंने श्रीलंका का जिक्र करा है और एक तरीके से पाकिस्तान का तो नाम नहीं लिया उन्होंने, टेररिज्म की बात उन्होंने करी है, लेकिन जनरली दे हैव फोकस्ड ऑन व्हाट इंडिया कैन गिव टू द वर्ल्ड, व्हाट इंडिया इज डूइंग फॉर द वर्ल्ड। और उन्होंने एक बड़ी अहम बात करी जयशंकर साहब की, दिस मैन इज अ जीनियस, दिस मैन इज एन आउटराइट जीनियस, मैं बता रहा हूं, आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड एज एन इंडियन दैट डॉक्टर जयशंकर इज आवर फॉरेन मिनिस्टर। ही स्पोक अबाउट गेटिंग रिड ऑफ दिस कॉलोनियल माइंडसेट। कहने की बात यह है कि जो ये कॉलोनियल लेगेसीज जो हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी, अब ये पांच इसके अंदर जो मेन मुल्क हैं वो थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थे। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ उस वक्त, तो ये लोग आ गए सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स बन गए, और दे आर सेइंग दैट ये कॉलोनियल लेगेसी है, इसको आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा, ब्राजील है, इंडिया है। देखिए 75 साल में दुनिया तो चेंज हो गई ना सर, अगर दुनिया चेंज हो गई तो बदलती हुई दुनिया को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आपने तो वही 1945 वाला मामला आपने खेल रखा है पूरा, 1945 यही तो रशिया आपका हो गया, चाइना हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड हो गया, तो यही तो वही लोग हैं जो लड़ाई जीते थे या लड़ाई में जिन्होंने पार्ट लिया था, दोज आर द पीपल हु आर मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सो अब इंडिया इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स विल बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है सर, 3rd लार्जेस्ट होने वाली है, लोग कह रहे हैं कि अगले 5 साल में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। India deserves to sit at the table. India has earned that right to sit at the table. And agar jo nahi allow kar rahe hain, isko rok rahe hain, colonial mindset hai inka. This is also sort of imperialism. This is also sort of a colonial mindset which he spoke against. To mujhe lagta hai ki zabardast takreer kari hai Jayshankar sahab ne. Bharat jab SCO ki hosting karega next year, to Pakistan ke us waqt jo bhi prime minister honge, chahe ye Shahbaz Sharif hon ya Imran Khan wapas aate hain ya jo bhi koi wapas आता है पुराने लीडर्स में से,
क्या आपको पॉसिबिलिटी लगती है कि पाकिस्तान उस SCO के इजलास में शिरकत करेगा? सर ये पाकिस्तान उसमें शिरकत करेगा नहीं करेगा, ये पाकिस्तान पर डिपेंड नहीं करता। उस समय जो पाकिस्तान को पैसे दे रहा है वो क्या बोलता है, उससे मैं अगर चाइना पैसे देता है और चाइना कहता है शिरकत करो करेंगे, अगर अमेरिका पैसे दे रहा है या फ्रांस दे रहा है वो कहेगा शिरकत करो तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सो दैट अगर देखिए, मैं एक और बात कह दूं आपको, कड़वी बात है लेकिन हमें कहनी चाहिए ताहिर साहब, किसी भी समिट में चाहे G20 हो या कुछ भी हो एक्स, पाकिस्तान के शिरकत करने से ना शिरकत करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान ने कुछ देना नहीं है G20 को, दुनिया को, पाकिस्तान इज नथिंग टू गिव टू द वर्ल्ड, इट विल ओनली टेक। उसने सिर्फ पाकिस्तान का हाथ हर समय ऐसे रहा है सर, पाकिस्तान का जो हाथ है सर हर समय ऐसे रहा है, पाकिस्तान का हाथ कभी ऐसे नहीं रहा सर। पाकिस्तान ने कभी दुनिया को कुछ दिया नहीं है टेररिज्म के अलावा, और दुनिया का भला नहीं करा है। तो अगर पाकिस्तान कहता है कि हम G20 को बॉयकॉट करते हैं तो क्या फर्क पड़ा? मैं इसके बारे में, मैं कोई रेटोरिकल बात नहीं कर रहा, इमोशनल बात नहीं कर रहा, मैं इसके ऊपर एक जेन्युइन डिस्कशन चाहता हूं सोशल मीडिया पे। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में इस मामले के ऊपर एक जेन्युइन फैक्ट बेस्ड डेटा बेस्ड डिस्कशन चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान G20 में कहता है कि इंडिया में हो रहा है नहीं आएंगे तो क्या होगा। मैं यहाँ पे सॉरी आपको टोकता हूँ, G20 में तो शायद पाकिस्तान को इनविटेशन ना मिले क्योंकि वो तो G50 में भी नहीं आते, लेकिन मसला SCO, वो बात कर रहे थे कि हम साइड में, हम ऑन द साइडलाइंस, पाकिस्तान वांट्स टू गेट इनवाइटेड इन G20 सर। या लेकिन मेरा ख्याल है कश्मीर की बात हुई थी तब। हाँ जी, लेकिन मेरा इशू ये कि SCO में चूंकि पाकिस्तान मेंबर है जी, वो एज एन ऑब्जर्वेटरी कंट्री नहीं है, वो एक मेंबर है जी, तो उसमें इनविटेशन तो ऑफ कोर्स जाएगा। अब भारत में जो मैं विजुलाइज कर रहा हूँ, अगर इमरान खान से प्राइम मिनिस्टर उस वक्त हैं पाकिस्तान के, तो वो तो कश्मीर का जिक्र करेंगे या करना चाहेंगे, SCO में तो ये एजेंडा नहीं होगा कश्मीर। और अगर इमरान खान नहीं है, शरीफ फैमिली में से ही कोई है, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, वो पॉलिटिकल कंपल्शन की वजह से शायद जिक्र करना चाहेंगे, तो भारत के लिए क्या पोजीशन होगी? आपने अभी कहा कि जो पैसे देगा उसके मुताबिक ही पाकिस्तान चलेगा, लेकिन थोड़ा सा और हमारे व्यूज को बताइए जी। सर जैसे G20 की बात है, पाकिस्तान सर्टनली इज नॉट पार्ट ऑफ G20, बट जैसे ऑब्जर्वर स्टेटस होता है, जो लोग आसपास और भी 10-15 मुल्क होते हैं, उसमें पाकिस्तान ने बड़ा ऑब्जेक्ट करा है कि भारत जो है कश्मीर में G20 करना चाह रहा है, हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तान इज ऑल्सो ट्राइंग फॉर दिस कि भाई G20 में किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान शरीक हो जाए। क्या करेगा शरीक होकर, आई हैव नो क्लू, नो बडी हैज अ क्लू इन द वर्ल्ड, बट पाकिस्तान शरीक होना चाहता है, ठीक है, यू वेलकम, आ जाइए। जहां तक SCO की बात है सर, सदारत भारत के पास आई है, भारत अगले साल SCO समिट करेगा यहाँ पे, और मुझे ऐसा लगता है सर कि काफी हद तक कि पाकिस्तान, देखिए कश्मीर की अगर बात करता है तो पाकिस्तान इज वेलकम, बट पाकिस्तान इज एग्जिस्टिंग इन एन इको चैम्बर सर, कौन बात सुनता है पाकिस्तान की, हु लिसन्स टू पाकिस्तान? पाकिस्तान कब से कश्मीर कश्मीर सुन रहा है, कश्मीर, इस्लामोफोबिया, और तो कोई बोलता नहीं है। इस बार टर्की, जो बहुत बड़ा पाकिस्तान का सपोर्टर था, आपने प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान का आपने देखा होगा बयान कश्मीर पे, वो इसेंशियली ही वॉज कोटिंग द शिमला अग्रीमेंट, उन्होंने शिमला अग्रीमेंट का नाम नहीं लिया, लेकिन ही वॉज कोटिंग द शिमला अग्रीमेंट बाय सेइंग दैट दीज आर बायलैटरल इश्यूज, दैट इज द स्पिरिट ऑफ द शिमला अग्रीमेंट। तो पाकिस्तान, देखिए मैं फिर कहता हूं, इस बार SCO में पाकिस्तान ने कश्मीर का नाम नहीं लिया, राइट, डायरेक्टली कश्मीर का नाम नहीं लिया, तो क्या फर्क पड़ गया? और अगर SCO में पाकिस्तान कश्मीर का नाम ले लेता तो क्या फर्क पड़ जाता? क्योंकि एंड में पाकिस्तान ने SCO में भी मांगना है, और अगर G20 में उसका ऑब्जर्वर स्टेटस है, अगर ऑब्जर्वर स्टेटस होगा, उसको मिलता है, तब भी उसने वहां पर लोगों से मांगना है। पहले वो वैसे कोरोना के नाम पर मांगते थे, अब वो ये फ्लड आ गए, फ्लड के नाम पर मांगेंगे। मांगने वाली एक्टिविटी इनकी ऑन रहेगी सर, G20 में ऑब्जर्वर स्टेटस पे, SCO में एज अ मेंबर स्टेट, उन्होंने यही काम करना है सर। कश्मीर में ये हो गया, इस्लामोफोबिया हो गया, यहूदी हैं वो पैलेस्टीनियंस को मार रहे हैं, अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज करिए, ये 4-5 तो पॉइंट है इनके सर, यही रिपीट करते हैं, दिस इज ऑन अ लूप सर, सबको यही बात करनी है, इसके अलावा कोई बात नहीं करनी। अब एक और पॉइंट ऐड हो गया कि बाढ़ आ गई, पैसे दे दो, दैट्स इट। और उसके साथ साथ अब ये ऑडियो लीक का भी एक और इशू इंटरनेशनलाइज करने की शायद कोशिश होगी वहाँ पे। पाकिस्तान के फॉर्मर फिनांस मिनिस्टर, जो बड़े ही सीजन्ड फिनांस मिनिस्टर समझे जाते हैं, इसहाक डार पाकिस्तान चले गए हैं और उन्होंने वहाँ पे ओथ ले लिया है।
उनके जाते ही डॉलर थोड़ा नीचे आया, पाकिस्तानी रुपया ऊपर गया, पाकिस्तान शदीद फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो नए फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के हैं, ये पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस से कुछ निकाल पाएंगे? नहीं सर, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता इसहाक डर साहब निकाल पाएंगे, बिकॉज पाकिस्तान की इकोनॉमी आईएमएफ रन करेगा सर, जो पैसे देता है वो कर रन करता है ना। आईएमएफ ने टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको, आईएमएफ के टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको अपनी इकोनॉमी रन करनी है, राइट? अगर वो कहेगा टैक्स बढ़ाओ तो बढ़ाओ, अगर वो कहता है गैस के दाम बढ़ाओ तो बढ़ाओ, इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ाओ तो बढ़ाओ, जीएसटी बढ़ाना है तो बढ़ाना है। तो इसमें इसहाक डर ने क्या कर लिया सर, वो क्या कर लेगा? उसको तो वही करना है जो आईएमएफ बोलेगा। अगर आईएमएफ की बात नहीं मानते तो दुनिया पैसे नहीं देगी, चाइना खुद पैसे देने को राजी नहीं है पाकिस्तान को, जो इनका आयरन ब्रदर था। दूसरी एक बात है कि सर, मैं एक बात सोचता हूं, ये मेरे मन की बात है, मैं जो सोचता हूं अपने दिल में, अगर कोई चीज खराब होती रहती है लगातार, जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी लगातार खराब चल रही है, तो कोई ना कोई है पाकिस्तान में जिसको इस खराब इकोनॉमी का बेनिफिट मिल रहा है, फायदा मिल रहा है सर। वरना ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान वाले भी लोग रोटी खाते हैं सर, इतनी अकल तो उनमें भी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो स्पेशल इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, जो खास लॉबीज हैं पाकिस्तान में जिनको पैसा मिलता है, जो पैसे कमाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान की इकोनॉमी डूबेगी, ठीक है सर, आपको भी पता है कि पाकिस्तान में एक तबका है जो कहते हैं कि 500 रुपए टमाटर हो या 5000 रुपए किलो टमाटर हो, उनकी जिंदगी में उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दे हैव इनफ मनी। ये जो तबका है पाकिस्तान में, राइट, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे कोई खास इंडस्ट्री नहीं है, जहां पे कोई खास इकोनॉमी नहीं है सर, बहुत छोटी सी 350 अरब डॉलर की इकोनॉमी है, जिसमें रियल एस्टेट की बहुत ज्यादा इकोनॉमी है उनकी, विच इज ऑलवेज अ बैड साइन बाय द वे। तो ऐसी इकोनॉमी ये लोग कैसे सस्टेन कर रहे हैं, हाउ इज इट सस्टेनिंग सर? एक अग्रेरियन सोसाइटी है, एक अग्रेरियन सोसाइटी है जिसमें आप फूड ग्रेन्स इंपोर्ट कर रहे हैं, टमाटर आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, प्याज बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हाउ डज दिस वर्क? मैंने हर समय सोचा था कि किसका फायदा है। इसहाक डर साहब आ गए, वो अपनी जान लगाएंगे, 19-20 का फर्क हो सकता है, हो, पर अगर कोई कहता है कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे सर, पाकिस्तान प्रॉब्लम में रहे और पाकिस्तान लड़खड़ाता रहे इकोनॉमिकली, ये कुछ चंद पाकिस्तानियों के फायदे में है, इसलिए पाकिस्तान इस हालत में है। मैं ये मानने को तैयार नहीं कि पाकिस्तानियों में इतना टैलेंट नहीं है कि अपने मुल्क को चला लें, ये किसी ना किसी के फायदे में है सर। वो बड़ी फेमस कहावत है इयान फ्लेमिंग की है, विच इज बीन यूज्ड इन दैट मूवी द गॉडफादर, इट इज क्रेडिटेड टू इयान फ्लेमिंग। दे से इफ इट हैपेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज हैपेंस्टांस, ट्वाइस इज कोइंसिडेंस एंड थ्राइस इट इज एनिमी एक्शन, थ्राइस इट इज एनिमी एक्शन। तो ये एक बात है कि बार बार हो रहा है, बार बार पाकिस्तान लोन मांग रहा है, बार बार पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है, किसका फायदा अगर बार बार कोई चीज हो रही है सर? पहली बार अगर हम ये बोलें सर, पहली बार हादसा, ठीक है सर, अगर हम ऐसे समझाएं उर्दू में, पहली बार हादसा, दूसरी बार इत्तेफाक, तीसरी बार साजिश, अगर बार बार हो रही है तो यू कैन अंडरस्टैंड समबडी इन पाकिस्तान इज बेनिफिटिंग कि पाकिस्तान लड़खड़ाता रहे, और वो पाकिस्तानी इंश्योर करेंगे कि इसहाक डर फेल हो जाए और इकोनॉमी लड़खड़ाती रहे, क्योंकि उनको फायदा है इससे। तो ये जो सारे का सारा खेल है, आपको क्या लगता है रीजन पे कितना इफेक्ट होगा पाकिस्तान की इकोनॉमिक टर्मोइल, पॉलिटिकल टर्मोइल, इससे क्या उस रीजन में कोई प्रोज एंड कॉन्स या कॉन्सिक्वेंसेस आपको नजर आते हैं? नहीं सर, कुछ नहीं। एक जमाना था जब यहाँ पे इंडिया के थिंक टैंक्स ये कहते थे कि अस्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट, यहाँ पे ऐसी थिंकिंग थी कि अस्टेबल पाकिस्तान, अब वो कहते हैं कि स्टेबल और अनस्टेबल हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने अपने आप को डीकपल कर लिया पाकिस्तान से, अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया को फर्क नहीं पड़ता, नेपाल को फर्क नहीं पड़ता, चाइना को हो सकता थोड़ा बहुत फर्क पड़े क्योंकि चाइना की लेन देन है, श्रीलंका को कोई फर्क नहीं पड़ता सर, मालदीव्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क किसको पड़ता है सर खित्ते में? रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, अफगानिस्तान वैसे ही जान छोड़ा रहा है, हाथ जोड़ रहा है, रोज हाथ जोड़ता है कि भाई हमारा नाम मत लो। तो पाकिस्तान के इकोनॉमी डूबने से या फ्लोट करने से किसी को फर्क नहीं पड़ता सर। देखिए, इस बीच में जब से हमारे पाकिस्तान के साथ ट्रेड खत्म हुआ है, ठीक है सर, वी हैव हिट रिकॉर्ड हाईज इन एक्सपोर्ट, 400 अरब से ज्यादा हमने एक्सपोर्ट कर दिया, और वो कह रहे हैं कि ट्रिलियन डॉलर एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं लोग, और वी हैव बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड हैव नेग्लिजिबल ट्रेड विद पाकिस्तान। सो नॉट हैविंग ट्रेड विद पाकिस्तान हैज एक्चुअली बेनिफिटेड इंडिया सर। अगर आप, मैं डेटा वाइज बात कर रहा हूँ, लॉजिकली बात कर रहा हूँ, दिस इज नॉट एन इमोशनल स्टेटमेंट,
हमें तो बहुत फायदा हुआ है सर, वी हैव डन वेरी वेल फॉर आवरसेल्फ विदाउट पाकिस्तान, वी डोंट नीड पाकिस्तान सर, हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है किसी भी सूरत में, हमें कोई इसकी जरूरत नहीं है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान हमारे साथ ट्रेड करे या हमारी फिल्में वहां पे दिखाई जाएं, हमारे साथ क्रिकेट खेले, ना कुछ, वी हैव नथिंग टू डू विद पाकिस्तान एट ऑल, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को अगर ट्रेड करनी है फिर पाकिस्तान उस तरीके से बात करे, मोदी जी सोचेंगे अगर करनी होगी तो नहीं करनी होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट, आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन इट, बट इंडिया हैज डन फैंटास्टिकली वेल विदाउट पाकिस्तान, तो मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा सर। अभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने रिसेंटली फ्रांस 24 को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत की तरफ से हमें इस सैलाब के लिए, फ्लड्स के लिए कोई किसी मदद की पेशकश नहीं की गई, तो आप उनकी इस स्टेटमेंट से क्या मैसेज लेते हैं, वो चाह रहे हैं कि कोई मदद हो या क्या वो कहना चाह रहे हैं? सर जब पहली बार फ्लड्स आए थे पाकिस्तान में, हमने मदद करी थी पाकिस्तान की, हमने करीब $25 मिलियन की बात हुई थी कि हम भेजेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान ने मना कर दिया था सर, फिर वो पैसा यूनाइटेड नेशंस के थ्रू गया, तो ऐसी बात नहीं है कि भारत ने कभी मदद नहीं करी पाकिस्तान की। पाकिस्तान को लोगों को बोलना है कि हम खुददार मुल्क हैं, अपने लोगों को बोलना है खुददार मुल्क हैं। ये फ्रांस, अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं सर, आपने बोला कि फ्रांस इनके लिए एक फंड रेजिंग कर रहा है, ठीक है सर, आपने बोला फ्रांस फंड रेजिंग कर रहा है, ये वही फ्रांस है जिसको एक साल पहले, जिसका कह रहे थे कि इनका सफीर निकालो यहां से, इसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म करो, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद के लिए उसने गुस्ताखाना खाके सपोर्ट करे हैं, बनाए हैं, राइट? आज वो खाके वाके की बात, प्रॉफिट मोहम्मद की बात सब भूल गया पाकिस्तान, कहां है वो बातें? आज इमैनुअल मैक्रोन के पैर छू रहे हैं ये लोग कि हमारे लिए कॉन्फ्रेंस कर दो, डोनर्स कॉन्फ्रेंस कर दो कि लोग हमें पैसा दे दें। तो सर ये दोगले हैं ना, ये दोगले हैं। मैं कह रहा हूं कि पिछले साल फ्रांस को गाली दे रहे थे ये लोग कि निकालो इसको, एम्बेसी पर चढ़ जाओ और आग लगा दो, और लाहौर में आग लगा दी थी इन लोगों ने, और बोला था कि इनके एम्बेसी को निकालो और इसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप खत्म करो, जो भी रिश्ते हैं सिफारती रिश्ते खत्म करो फ्रांस के साथ। एक साल पहले जो लबैक वाले जब सड़क पे आए थे तब सब लोग पाकिस्तान में कह रहे थे, आज वही पाकिस्तानी पैर पकड़ रहे हैं उसी इमैनुअल मैक्रोन के, वही है प्लेयर, वही है, उससे कह रहे हैं भैया पैसे दे दो। तो ये सीजनल लड्डू है सर, ये बारिश होती है टर करते हैं फिर नीचे चले जाते हैं, इन तिलों में तेल नहीं है, आई डोंट बिलीव दे हैव एनी दिस थिंग सर, कुछ नहीं है उसमें। पाकिस्तान में एक इम्प्रेशन ये है कि पीडीएम की जो सरकार है और ख़ास तौर पर जो शरीफ फैमिली है, वो भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, इवन शायद कुछ टेररिस्टों को भी उनके हवाले करना चाहते हैं, मगर एक तो एस्टेब्लिशमेंट रास्ते में आती है, दूसरी जो पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं वो बड़ी खौफनाक हैं, भारत के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत है फॉर डिकेड्स कि अनफॉर्चुनेटली वो उनकी हिम्मत नहीं होती, वो उनको पॉलिटिकल कॉस्ट नज़र आती है। तो क्या ये फीलिंग या ये इम्प्रेशन भारत में भी है? नहीं सर, भारत में तो अब तो सिर्फ हम ही लोग एनालिस्ट हैं जो पाकिस्तान की बात करते हैं सर, टेलीविजन पे भी आप देखेंगे पाकिस्तान के बारे में बातचीत कम हो गई है जितनी पहले होती थी, तो देयर इज इमोशनल डीकपलिंग ऑल्सो विद पाकिस्तान इन इंडिया इन एवरी वे। पाकिस्तान अब हमारे रडार में नहीं है, हम लोग तो खैर सर वी आर डिफेंस एनालिस्ट, हमारा तो काम ही यही है, पाकिस्तान और चाइना के बिना तो हमारा प्रोफेशन ही स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स है, पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी के, हम लोग तो दिन भर यही पढ़ते रहते हैं, तो हम लोग तो कमेंट करेंगे इस चीज पे, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि सर अब इंडिया में इन सब चीजों के ऊपर वो, और जो आप कह रहे हैं एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता सर, वही जैसे मैंने बोला ना पिछले साल एंटी फ्रांस सेंटिमेंट था, फ्रांस से पैसे ले रहे हैं, इनका अमेरिकन एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट था, अमेरिका से भी पैसे ले रहे हैं। बस ये है कि इंडिया के साथ इन्होंने हिंदू मुस्लिम वाली राइवलरी अपनी बना रखी है पाकिस्तानियों के दिमाग में, तो वो इसलिए कहते हैं, बट ठीक है, शरीफ खानदान को देखिए अगर रिलेशन बनाने, हमें तो नहीं बनाने सर किसी को, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और देखिए ना सर, बात ये है ना, लेट्स बी वेरी सेल्फिश, मुल्क के मफाद की बात करते हैं, पाकिस्तान क्या कर सकता है हमारे लिए? पाकिस्तानी कई कहते हैं कि शरीफ खानदान ने बड़े पैसे इन्वेस्ट कर रखे इंडिया में, एक ये भी मैं सुनता हूं बड़ा कि शरीफ खानदान, तो मैंने पूछा अपने पाकिस्तानी दोस्त से जो कह रहा था नहीं मेजर साहब आपको नहीं पता शरीफ खानदान ने बड़े, मैंने बोला पैसे हैं कितने इसके पास, नवाज शरीफ के पास पैसे हैं कितने? मतलब इनको एक्चुअली लगता है कि नवाज, पाकिस्तानियों को एक्चुअली लगता है कि नवाज शरीफ के पास बहुत पैसे हैं, पाकिस्तान के हिसाब से बहुत पैसे होंगे उसके पास, इंडिया के हिसाब
सर चावड़ी बाजार का होलसेलर है ना, उसके पास ज्यादा पैसे पड़े नवाज शरीफ से, क्या बात कर रहे हैं ये लोग, ये थोड़े $1-2 बिलियन एक आध अरब रुपए या 500-700 मिलियन आ गए और इन्होंने बोल दिया कि साहब बड़े तीर मार दिया हमने, कोई बहुत बड़ा हमने यू नो वी हैव डिलीवर्ड समथिंग वेरी बिग। बड़े छोटे पैसे हैं जरदारी के पास भी, बड़े छोटे पैसे हैं अपने नवाज शरीफ के पास, शहबाज शरीफ के पास। यस दे आर रिच पीपल, डेफिनेटली दे आर रिच पीपल, बट ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट करें। इंडिया में इन्वेस्टमेंट होती है सर जैसे कि 50 अरब की 70 अरब की 100 अरब की इन्वेस्टमेंट हो रही है, राइट, तब तो इंडिया वाले थोड़ी सी आंख खोले कि हाँ भाई कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है। ये ना पिद्दी का शोरबा ये करेंगे इंडिया में इन्वेस्टमेंट नवाज शरीफ, तो पता नहीं पाकिस्तानियों को क्या लगता है कि क्या इन्वेस्टमेंट हो रही है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं सर, इतना इतने पैसे नहीं है नवाज शरीफ के पास कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें। आप ठीक कह रहे हैं, अगर हम अदानी ग्रुप के ही वहाँ पे असासे देखें तो वो कई सौ बिलियन डॉलर्स में से हैं, और ये एक ग्रुप है, इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे और ग्रुप्स भी हैं, और शायद ऑफिशियली एंड अनऑफिशियली भारत में प्लस बिलियन डॉलर तो शायद 1,000 लोगों के पास हो, तो इसमें तो कोई शक वाली बात। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। ठीक, तो इस सारी सूरत हाल में जो अब तक हमने बातचीत की, मैं साहब आप इसको कंक्लूड कैसे करना चाहेंगे? सर मैं तो ऐसा कंक्लूड करना चाहूंगा कि देखिए पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान की मजबूरी है, तो पाकिस्तान को तो कश्मीर का राग आलापना ही है। अफगानिस्तान इसलिए पाकिस्तान की मजबूरी है क्योंकि स्ट्रेटेजिक डेप्थ का तो भूत उतर गया, लेकिन पैसे अफगानिस्तान से आए हैं आज तक। पिछले 30-40 साल में जो भी पाकिस्तान के पास मोटे पैसे आए हैं वो अफगानिस्तान की वजह से आए हैं, तो पैसों के लालच में पाकिस्तान को अफगानिस्तान का नाम लेना जरूरी है। ये सब की अफगानी भूख से मर रहे हैं, ठंड लग रही है, ये सब झूठ बोलते हैं। जिस लीडरशिप को अपने खुद के लोग जो मर रहे हैं, अपने खुद के लोग पाकिस्तान में जो बाढ़ से मर रहे हैं, जो भूख से मर रहे हैं, उनकी फिक्र नहीं है, वो बाहर जाके अफगानिस्तान में उनकी फिक्र कर रहे हैं कि अफगानी, तो ये सब झूठी बातें हैं। जब क्योंकि पोर्ट यहाँ पे है, पाकिस्तान के पास है, ईरान के साथ तो बनती नहीं दुनिया की सर, ईरान वैसे ही ब्लैकलिस्टेड है बेचारा, तो यहां से पोर्ट आएगा, यहां से बिन कासिम से पैसा जाएगा, फिर पाकिस्तान को भी 2 रुपए मिलेंगे उससे। ये सारा गेम पाकिस्तान का इसीलिए है, वही फिलिस्तीन। और जो एक बार मैं और बता दूं, ये जो फिलिस्तीन में मैंने कई पाकिस्तानियों से पूछा कि भाई आप लोग इसराइल के साथ आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्यों नहीं है, कह रहे नहीं साहब फिलिस्तीन का मसला है। तो मतलब इंडिया के साथ तो है, इंडिया के साथ तो कश्मीर का मसला है, इंडिया के साथ तो आपने 3-3 जंगें लड़ रखी हैं 4 जंगें लड़ रखी हैं, राइट, 4 वॉर्स यू हैव फॉट अगेंस्ट इंडिया। कश्मीर का मामला है आपका इंडिया के साथ फंसा हुआ, और आपका सर क्रीक का मामला फंसा हुआ, आपका सियाचिन ग्लेशियर का मामला फंसा हुआ है। इंडिया के साथ आपकी बड़ी अच्छी डिप्लोमेटिक रिलेशन है, हमारे साथ फिल्मों में भी आपके लोग गाते हैं, हमारे साथ क्रिकेट आप आजकल बंद हो गया लेकिन इतने सालों से कर ही रहे थे। तो ये सर ये कोई रिलीजियस मामला है, इसराइल के साथ इनका पैलेस्टीन से कोई लेना देना नहीं है, फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है, ये मामला बेसिकली है रिलीजियस, इन विच पाकिस्तान इज प्रोपोगेटिंग मुस्लिम हेट्रेड फॉर ज्यूज, दैट इज द एंटायर मैटर ऑफ पाकिस्तान रिलेशनशिप विद इसराइल, और कोई मामला नहीं है। अभी बीच में नहीं कि इसराइल एक डेलीगेशन चला गया तो बोला कि नहीं नहीं हमने कोई डेलीगेशन नहीं भेजा, क्यों इसराइल के साथ हेट्रेड यही है सर। इट मैं वही बार बार कहता हूं, इसराइल के साथ जो इनकी नफरत है, इट हैज नथिंग टू डू विद द पैलेस्टीन इशू, ये सब झूठ बोलते हैं। इट इज बेसिकली ज्यू हेट्रेड, ये ज्यू हेट्रेड है, और आज से नहीं 1500 साल से ज्यू हेट्रेड, ये वही ज्यू हेट्रेड है जो बाकी सब सऊदी अरब वदी अरब सब लोगों ने अपना मामला फिट कर लिया, पर दुनिया में एक ही तो सच्चे मुसलमान है वो पाकिस्तानी है, बाकी सब झूठे हैं सर, तो झंडा वही फहराएंगे इस्लाम का। यानी वही जो हनूदो यहूद के साथ नफरत का मामला है, जो हम अक्सर पाकिस्तान की किताबों में भी पढ़ते हैं और उनकी आम डिस्कशन में भी सुनते हैं, ये अलग बात है कि हनूद से क्या मुराद है मुझे आज तक समझ नहीं आई। ये कहते तो हिंदू हैं मगर हिंदू हनूद कैसे हो गए, आई डोंट नो। ये इन्होंने वो शेर में जैसे काफिया फिट करना होता है ना, कि यहूद के साथ हनूद लगाए कि इन्होंने एक नई टर्मिनोलॉजी निकाली। मैं सब बहुत आखिर में ये बताइए कि चाणक्या फोरम और जो चाणक्या डायलॉग है, इसमें क्या नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं और किस तरह की डिस्कशन सामने आ रही है? सर मैं नवंबर में हम लोग अपना दूसरा प्रोग्राम कर रहे हैं, और जैसे हमने 6 अगस्त को करा था इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, तो अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं सर अपना कहाँ पे करेंगे क्या करेंगे अगला, बट नवंबर में वी वॉन्ट टू डू एंड वी आर गेटिंग सम, वी आर ट्राइंग टू गेट टॉप पीपल इन द फील्ड, कि हम लोग मिलें फिजिकली बैठें एक साथ बैठ के डिस्कशन करें कि जियो पॉलिटिक्स फॉरन अफेयर्स में क्या चल रहा है, तो नवंबर के महीने में वी आर ट्राइंग टू डू दैट, तो देखते हैं क्या होता है सर। बट आप सबकी दुआएं सर, पहला वाला अच्छा गया और आप सबकी दुआएं रहेंगी तो दूसरा वाला भी अच्छा ही जाएगा सर, होपफुली गॉड विलिंग।
बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, और वी आर प्रिटी कॉन्फिडेंट कि आप ये जो दूसरा बहुत बड़ा सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला वहाँ पे करने जा रहे हैं, ये भी उसी तरह सक्सेसफुल होगा जिस तरह पहला हुआ। बातचीत में सब आपके साथ होती रहेगी, हम आपका समय लेते रहेंगे। आज बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें फिर एक बार समय दिया। थैंक यू सर। व्यूज़, बातचीत सुन रहे थे मेजर गौरव आर्या जी की, अपनी खरी खरी बातों की वजह से बहुत जाने जाते हैं, और इसके साथ साथ मैं दिली तौर पर समझता हूं कि वो उस रीजन का भी भला सोचते हैं। पाकिस्तान के लिए भी उनकी ख्वाहिश है कि वहां से जो इश्यूज हैं और जो नफ़रतें हैं वो ख़त्म हो और वो धरती एक बेहतर धरती बन सके। आज का बिला तकल्लुफ तजिया मेरे साथ और मेजर गौरव आर्या जी के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ हमारी ऐप्स डाउनलोड कीजिए, चाणक्या फोरम की ऐप्स डाउनलोड कीजिए, और इसी यूट्यूब के चैनल पे आप डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.